वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल एक्सपर्ट जी में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि ऐप कैसे बनानी है आपके यूट्यूब चैनल या आपके वेबसाइट के लिए, और वो भी विदाउट कोडिंग नॉलेज। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं थंकेबल.com इस साइट का। ये जो साइट है, यहाँ पे आपके ऐप बना सकते हो विदाउट कोडिंग। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे साइन इन पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म चूज कर लीजिए कि आपको iOS के लिए ऐप बनाना है या एंड्रॉयड के लिए ऐप बनाना है। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे, हम जो ऐप बनाने वाले हैं वो एंड्रॉयड के लिए। तो यहाँ पर एंड्रॉयड पर क्लिक कर दीजिए, साइन इन विद गूगल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलो दोस्तों अब हम ऐप बनाना शुरू करते हैं। ऐप बनाने के लिए क्रिएट न्यू ऐप पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आपका जो ऐप है उसका आपको नाम रखना है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ माय वेबसाइट में मेरे ऐप का नाम रख रहा हूँ, और ओके पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखो दोस्तों ऐसा यूज़र इंटरफेस आपको मिलता है। चलो अभी हम जो पहला हमारा ऐप बनाएंगे वो बनाएंगे वेब व्यू के लिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो वेब व्यू का ऐप बनाने के लिए आपको यहाँ पे वेब व्यूअर का जो कंपोनेंट है उसे उठाकर यहाँ पे डालना है। ठीक है, यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर आ जाइए दोस्तों स्क्रीन वन पर, और ये जो साइजिंग है इसे रिस्पॉन्सिव कर दीजिए। अभी जो हमारे टाइटल है स्क्रीन वन, इसे हमें चेंज करना है, तो वो यहाँ पर टाइटल में चेंज होगा। यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ एक्सपर्ट जी हेल्प मी। ये जो है यहाँ पे नाम अभी अपडेट होगा टाइटल का। देखो दोस्तों ये हो गया एक्सपर्ट जी हेल्प मी। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे हमारी साइट खोलना है। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। चलो अभी google.com, ये जो साइट है ना अभी हमें खोलेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये URL को कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करने के बाद ये वेब व्यू है उसमें जाना है, और यहाँ पे जो वो URL है उसे पेस्ट कर देना है Ctrl+V दबा के। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक सिंपल ऐप तैयार हो चुका है, जिसमें आप जब ये ऐप खोलोगे तो आपको google.com की जो साइट है वो खुलेगी। यहाँ पे अगर आपके पास आपकी खुद की कोई वेबसाइट है तो आप वो भी डाल सकते हो, वो भी दिखेगा। या फिर अभी अगर आपको YouTube चैनल के लिए बनाना है तो YouTube चैनल के लिए भी वो दिखेगा। तो चलो दोस्तों अभी जो हमारा अगला फेज है वो है टेस्टिंग। अभी हम इस ऐप को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर टेस्ट पर जाइए और थिंकेबल लाइव पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों ऐप की टेस्टिंग करने के लिए आपको पहले प्ले स्टोर में जाके थिंकेबल का जो ऐप है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, इसे ओपन कीजिए, और यहाँ पर स्कैन क्यूआर कोड पर क्लिक करके जो हमारे PC में जो QR कोड दिख रहा है उसे स्कैन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। देखो दोस्तों इस तरीके से जो ये जो साइट है वो सपोर्ट कर रही है। ये हमारा जो ऐप है ये अभी google.com को खोल रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा सिंपल ऐप बन चुका है। तो अगले ट्यूटोरियल में जो हम देखेंगे वो बैक बटन ऐड करना, उसके बाद ऐड प्लेस करना, ये चीज़ें हम आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।